हमारे चैनल जहूर क्रिएटर में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छोटे कदम बड़े सपने, एक बच्चे की प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा नामकरण किया गया, उसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ही शर्मिला और उत्साही बच्चा था। वो गाँव के सभी बच्चों के साथ खेलता और मस्ती करता था। राहुल के पास अपार सपने थे, वो अपने छोटे कदमों से बड़े सपने पूरा करना चाहता था। एक दिन वो एक उड़ान भरी पंछी को देखा और सोचा, मैं भी एक दिन ऐसे ही उड़ने वाला बनूंगा। राहुल के अच्छे दिन आने की प्रतीक्षा थी। एक दिन उसके गांव में एक उड़ान भरी प्रशिक्षक आया। वो लोगों को पंछी उड़ान देने के बारे में सिखाने के लिए आया था। राहुल ने तुरंत तय किया कि वो उस प्रशिक्षक के पास जाकर उड़ने की कला सीखेगा। राहुल ने अपने पिताजी को अपनी इच्छा बताई और वो उसे धार्मिक आशीर्वाद दिए। उसके बाद राहुल ने प्रशिक्षक से मिलने की अनुमति ली और उसके साथ उड़ान भरी पंछी के पास गया। प्रशिक्षक ने राहुल को धीरे धीरे उड़ान का महत्व समझाया और उसे सही तरीके से उड़ने के लिए ट्रेन किया। राहुल ने हमेशा अपनी दिल की सुनी और प्रशिक्षण में समर्पित रहा। उसने उड़ान के लिए अद्वितीय मेहनत और समर्पण दिखाया। धीरे धीरे राहुल ने ऊंचाइयों को छूने और आसमान में स्वतंत्रता से उड़ने का आनंद महसूस किया। वो अपने बड़े सपनों की ओर बढ़ रहा था। राहुल की सफलता ने उसे नए आशाओं की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने सोचा कि अगर वो अपने छोटे कदमों के साथ इतनी दूर तक पहुंच सकता है तो अन्य लोग भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। राहुल अब गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गया। वो बच्चों को समय समय पर आकर्षित करता था और उन्हें ये सिखाता था कि सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत और समर्पण आवश्यक होता है। राहुल ने अपने बचपन के गांव में एक स्कूल खोला जहां वो बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता था। उसका उद्देश्य था गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और उन्हें सपनों की प्रेरणा देना। राहुल की स्कूल ने छात्रों के जीवन में बदलाव लाया और उन्हें एक नई दिशा दी। राहुल की कहानी गांव के बाहर भी फैल गई। उसकी मेहनत, समर्पण और सपनों की प्रेरणा ने लोगों को प्रभावित किया। उसकी कहानी को सुनकर लोग अपने सपनों पर विश्वास करने लगे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करने को प्रेरित हुए। राहुल बच्चों के बीच में अपने बड़े सपनों को पूरा करके अद्वितीय संतोष महसूस करता था। उसकी यात्रा ने उसे न केवल स्वयं को प्रेरित किया बल्कि उसने दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाया। राहुल का संदेश था कि आपके सपने असीम हैं और आप छोटे कदमों से उन्हें पूरा कर सकते हैं। यही कहानी छोटे कदम बड़े सपने, एक बच्चे की प्रेरणादायक कहानी थी। ये कहानी हमें ये बताती है कि छोटे कदमों से भी हम अपने सपनों की ओर आगे बढ़ सकते हैं और मेहनत, समर्पण और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हमेशा अपने सपनों का पीछा करें, मेहनत करें और अपार उत्साह और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। बच्चों को ये सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है कि वे अपने सपनों के पीछे दौड़ें और किसी भी समस्या से पीछे न हटें। ये कहानी हमें बताती है कि हम छोटे छोटे कदमों से बड़ी प्रगति कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें।